उत्तरकाशी में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जुड़ी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन को लेकर विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को सुनिश्चित करने की हिदायत दी है कि खाद्यान्न और पोषण से जुड़ी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को नियमित रूप से मिले। इस दौरान उन्होंने फोर्टिफाइड चावल को लेकर व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पोषक तत्वों से युक्त इस चावल का नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाए। वहीं मध्याह्न भोजन योजना के तहत नियमित रूप से अभिलेखों को अपडेट रखे जाने और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तरकाशी से विनीत कंसबाल की रिपोर्ट। आज हमने जो है उत्तरकाशी जिले की समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उसमें सप्लाई के थे, एजुकेशन के थे, ICDS के थे, स्वास्थ्य के थे और जो है CDO साहब साथ में रहे हमारी बैठक में। हमने सभी विभागों की जो समीक्षा करी है, चाहे वो सप्लाई से संबंधित हो या एजुकेशन में मिड डे मील से हो, आंगनबाड़ी सेंटर से संबंधित हो, तो जिले में कार्य जो है संतोषजनक है और जिले के अधिकारियों द्वारा जो राष्ट्रीय योजना से संबंधित योजनाएँ हैं उन पर कार्य किया जा रहा है और जिले का काम हमें कुछ और अच्छा लगता है।